नमस्कार, मैं कमांडर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल इलनेस के बारे में। मेंटल इलनेस का शब्द सुनते ही लोगों को लगता है कि इसके बारे में बात ना किया जाए अच्छा है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि आप साइलेंटली सफर कर रहे हैं, इश्यूज लाइक आज का जो इशू हम लेकर चलेंगे ये है कन्फ्यूजन एंड सैडनेस। जिंदगी में यदि आप टोटली कंफ्यूज हैं, पता नहीं चल रहा कि क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, जिंदगी में जो कुछ परेशानियां आ रही हैं क्यों आ रही हैं, उसका समाधान क्या हो सकता है, यदि आप ऐसे एक चौराहे पे खड़े हो गए हैं जहां आपको पता नहीं किस दिशा में आपको जाना है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, इसके लिए क्या मेडिसिन हो सकता है, इसमें डॉक्टर क्या कर सकते हैं, इसका ज्योतिष समाधान के बारे में आपको बताने वाला हूं। ये जो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है दो ग्रहों के इफेक्ट के कारण से पैदा हो जाता है। एक है केतु, जो आपका सहस्रार चक्र जो कि आपको ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ता है। यदि केतु आपके चार्ट में ठीक नहीं है, गलत जगह बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है या और भी कोई युति बना रहा है, तो डेफिनेटली विल हैव एंजाइटी एंड कंफ्यूजन इन लाइफ। दूसरा जो ग्रह है मोस्ट पावरफुल शनि, सैटर्न। सैटर्न रूल्स ऑफ द थर्ड आई, ये आपका जो थर्ड आई है, पिनियल ग्लैंड जिसको कहते हैं हम लोग, मिड ब्रेन जिसको कहते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को जोड़ता है, इसके ऊपर में शनि का शासन चलता है, इसका रोल चलता है यहाँ। तो यदि शनि आपके चार्ट में ठीक नहीं है, भाग्य में बैठा हुआ है, भाग्य को देख रहा हो, शनि का दूसरी चंद्रमा के ऊपर में हो, या त्रिमेनी कॉम्बिनेशंस एंड पोजीशंस ऑफ सैटर्न जो कि आपके मन को प्रभावित कर सकता है, तो शनि यदि आपके चार्ट में इस प्रकार से है, आपको अवश्य कंफ्यूजन के साथ साथ में डिसोरियंटेशन भी होगा, मतलब आप गलत दृष्टिकोण ले लेंगे, गलत सलाह सुन लेंगे या गलत चीजों के बारे में सोचेंगे, सही निर्णय नहीं ले पाना, नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली एंड डिसाइड प्रॉपरली कैन हैपन, एंड इनकर यू कैन इनकर लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस एंड यू कैन इनवाइट लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस एंड सैडनेस इन लाइफ। तो यदि इस प्रकार के कंफ्यूजन से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी में क्या किया जाए, दुख का कारण क्या है, फेलियर का कारण क्या है, आप एनालिसिस कर रहे हैं, शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, यू गोइंग टू द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल फॉर एडवाइस एंड ऑल दैट, काउंसलिंग कर रहे हैं, फिर भी कुछ समाधान नहीं हो रहा है आपको, क्योंकि ये मेडिसिन के दायरे में आता ही नहीं है। ये मेटाफिजिक्स की बातें हैं जो कि आपके हमारे समझ से परे है, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख है, जिस प्रकार के हमारे पास पुरातन ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, इससे यह समझ में आता है कि शनि और केतु का ठीक करेंगे तो आप इस प्रकार की कंफ्यूजन एंग्जाइटी उसके बाद डिसोरिएंटेशन, टोटल कंफ्यूजन, सैडनेस, ये जो स्थिति में गुजरते हैं, यदि आप दवाई खाएंगे कुछ थोड़ी देर में आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन इन ब्रॉडर सेंस यदि आप समझेंगे इसको तो इससे आपको निजात नहीं मिल पाता है। तो क्या करें, केतु को ठीक करने के लिए या शनि को ठीक करने के लिए जेमस्टोन पहनने से बचते हुए मैं आपको उपाय बताता हूं। रुद्राक्ष का, रुद्राक्ष आपके सेलुलर लेवल पे काम करता है, जो आपका सेल्स में जो आरएनए है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें काम करता है। हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रिकल फ्लो हो रहा है उसी के हिसाब से हमारा सोचना, हमारा गति, हमारा जो कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं घट रही है, ये सब डिपेंड करता है कि हमारे वोल्टेज सिस्टम कैसा है। इस वोल्टेज सिस्टम पे ये बायोइलेक्ट्रिकल करंट से रुद्राक्ष काम करता है। तो 8 मुखी रुद्राक्ष यदि पहनेंगे तो केतु की शांति होगी, बैलेंसिंग होगी, और 17 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपका सैटर्न या शनि का एनर्जी का बैलेंस होगा। यदि आप केतु और शनि को ठीक करना चाहेंगे तो आप 8 मुखी और 17 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क साध सकते हैं आप 9845124158 और 8884985444। हमारी वेबसाइट को लॉग इन करें www.astrologyrecommendation.com। इस वेबसाइट में आपको विस्तार पूर्वक रुद्राक्ष के बारे में और ग्रहों के बारे में जानकारी मिलेगी। यदि ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं रुद्राक्ष हमसे आप, तो www.whitelotusspirituality.com इस पर लॉग इन करें। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।